ये घटना है साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला जिसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड था अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा जिसके लिए 5,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गाँव वालों ने बताया कि हमारे गाँव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5,000 रुपये मिलेंगे। फिर क्या था, ये महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5,000 रुपये मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। गाइस, इस महिला की दिलेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।